आनंद प्रकट होता है, आनंद को भेदता है, सुखी होता है, भाव के अभाव के मार्ग में लगे। तो यहाँ महिमा किसकी गाई गई है? ज्ञान की। कौन से ज्ञान की? आत्मज्ञान, संवेदन ज्ञान की। यानी इसका अर्थ है कि पढ़ने से ज्ञान नहीं आए, सुनाने से, सुनने से ज्ञान नहीं आए। ज्ञान दाना नहीं है, ज्ञान मई है। ऐसा ज्ञान में ज्ञान का भाषा होता है, उसमें आनंद आता है। घी में ज्ञान नहीं, विषयों में आनंद नहीं, वहां से आनंद नहीं आएगा। आनंद जहाँ है वहां से प्रकट शक्ति की अभिव्यक्ति हो, प्राप्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान है वह आनंद देता हुआ प्रकट। अब आनंद काय का आता है? आनंद पहले था तो प्रकट क्यों नहीं हुआ? बार आनंद नहीं था तो क्यों लगता? ऐसा सब रहस्य आचार्य भगवान खोलते। ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान ज्ञान तो है ना सबके पास, परंतु इसे ज्ञान नहीं कह रहे। इसे ज्ञान कह रहे जो ज्ञान ज्ञान को ज्ञान जान। सभी जीव ज्ञान स्वभावी, धन भी है जिनके ज्ञान में ऐसा आत्मा आ जाता है। सभी जीव प्राकृतिक ज्ञान स्वभावी है, इसे थोड़ी ज्ञान बनाना। ज्ञान तो होते रहता है, पर ज्ञान का ज्ञान नहीं हो रहा तो इतना दुख। ज्ञान आनंद देता हुआ प्रकट हो, कौन सा आनंद है इसको भी नहीं बता सकते। भोगने की चीज तुमने जो आनंद माना ये सब छलावा, वो आनंद नहीं है, बहुत भरा धोखा। यहाँ सुख नहीं है, वहां सिर पटक रहे, दीवार से माथा पटक के निकलने का नाम मिथ्या। सिर फूटेगा, दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
बिल्ली के गले में घंटी बांधने का नाम मिथ्या, वो कभी नहीं होगा पूरा जो सोचता है। चूहा कैसे मीटिंग करे, क्या उपाय करे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे, कुत्ते की पूंछ को सीधे करने का उपाय है मिथ्या, नहीं होगी सीधी, ऐसे तुम्हारा सोचा नहीं होगा, और होगा वो तुमने नहीं किया होने योग। तो जिसका भ्रम टूट जाता है उसे आनंद आता, जिसे अपना घर मिल जाता है उसे प्रसन्नता हो, सुखी हो जाता। अब विधि बता रहे ये कैसे आनंद आनंदित हो गया ज्ञान। तो कहते हैं कि वह जीव और अजीव ये दो सत्ताएं विश्व में है, जीवम जीवम दब्बम, दो जाति के द्रव्य हैं इस विश्व में। कौन कौन से? एक जीव जाति का और एक जीव जाति का। जीव जाति के द्रव्य का क्या ज्ञान पहचान? वो संवेदनशील है, जानन हारा है, सफर का गीत कर लेता है, उसे फीलिंग करना आता है। ऐसे जीव को और एक अजीव है, वो जड़ है, अचेतन है, अजाननार है, अनुपयोग स्वरूपी है, संवेदन से रहत है, उसे फीलिंग करना नहीं आता। ऐसा कौन है अजीव जिसे फीलिंग करना नहीं आता? जितना जी ज्ञाता आत्मा को छोड़ के है वो सब अजीव के खाने। तो केवल ज्ञान को तो फीलिंग करना आता है, केवल ज्ञान को फीलिंग करना तो आता है, पर केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान नहीं आता। ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि जिससे वो केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान। जीव को पहचानना, जीव को पहचानना नहीं लिखा, अजीव से वर्ण जीव को पहचान, थोड़ी सी मेहनत है। पहले बताया था अर्जुन ये सब बता चुके, ऐसा नहीं है कि ये आज ही कथा कह रहे हैं, अनंत बार सुनी उसकी बात नहीं, इसी ग्रंथ में पूर्व रंग में ये सब कथा कराए। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान स्वभावी है, वर्णादि और रागादि से भिन्न है, चैतन्यमयी है, ज्ञायक है, ये सब बता आए। अब फिर बताने लगे, अब काय को बताने लगे, फिर बताएंगे आत्मा, क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम्हें याद नहीं रहता, फिर बता। तो ये जीव जीव और अजीव की स्वांग को देखने वाले महापुरुषों के जीव अजीव के भेद को दिखाने वाली अति उज्जवल निर्दोष दृष्टि के द्वारा भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा। बताओ सारा जगत कैसा जीरा और ये ज्ञानी जगत कैसी, जो है नहीं उसका फीलिंग करता, वेदन करता, जो है उसका वेदन नहीं करता, जो है नहीं उसका भ्रम से पोषण करता है। मुगेरी लाल के सपने दिखता रहता है, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, ऐसा होगा, हो ना कुछ नहीं। ये पुद्गल द्रव्य बेहोश है, जड़ है, ये सुनता नहीं जीव के राग की, परंतु जीव तो ऐसे बैठा बैठा मंदिर में भी घर पहुंच जाता है, काम करके आ जाता। धन्य वे जीव जिन्हें जीव जीव दिखने लगा, अजीव अजीव। आनंद काय का आया? संतोष भी है। आनंद आया कि नहीं? मन आलदित हो, कैसे हो गया? जीव और अजीव भिन्न जाने ऐसा नहीं लिखा, जीव को जीव जाना और अजीव को अजीव जाना। जीव को जीव जाना याने अपने परे जाना, अजीव को अजीव जाना याने ये मैं नहीं हूं ऐसा जाना, इसका नाम जानना, इसमें आनंद आता है। दूसरे की गलत रिपोर्ट अपने पास आ गई अस्पताल, अब अपनी रात भर नींद नहीं रही, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, मर जाएंगे, मर जाएंगे, और चेहरा उतर गया, सवेरे डॉक्टर के पास गए तो भूल ही नहीं निकल रही, और उन्होंने इतना ही बोला डॉक्टर साहब कि जैन साहब ये रिपोर्ट गलत आपके पास पहुंची। मैं एक लाइन भर बोली, अब ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, इतना ज्ञान हुआ और उठाओ कितना आनंद आया, ये आत्मा मैं स्वस्थ हूं,
मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, इतना ज्ञान हुआ और वो जटायु भी प्रसन्न हो गए, हाथी प्रसन्न हो गए, सिर प्रसन्न हो गए, आनंद आने लगा। इतना बड़ा संसार इतने सरलता से सिमट सके, जीव को हमने आज तक जीव नहीं, तो अजीव को तो जाना होगा कि अजीव को आज तक अजीव नहीं जाना, क्योंकि अज्ञानी अजीव को अजीव नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि वो तो अजीव को अपना मान, तो वो पर अजीव को अजीव नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता। समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुन ले और प्रवचन करने लगे तो भी अजीव अजीव नहीं दिख सकता, क्योंकि अजीव को अजीव बने जानने वाला कौन है? जो जीव को जीव बने नहीं अपने पने जानता है, तो जब अपने को आप रूप देखता है उसमें अजीव नहीं दिखता है कि कहां। ऐसे अजीव को अजीव तो भिन्न कहना अपन सबको आता, विज्ञान तो सभी करते, तो अजीव अजीव ऐसे पुस्तक से रोज पढ़ रहे, वो कह रहे अजीव लगता नहीं। अभी अभी अपनी शर्ट है ना, कोई इसमें स्याही डाल, ये भिन्न है कि, और स्याही डालते ही चेहरा क्यों उतर अपनी लगती है, और दूसरे की शर्ट पर स्याही नहीं कीचड़ डाले तेजाब डाले तो हमें क्या तकलीफ? तो ये अपनी लगती तो दुख हो, दुख जन्म लेता है अजीव में अहम बुद्धि होने, उद्गल में इसका माथा पचरा दिन भर सवेरे से लेके शाम। और वो कहते हैं कि पुद्गल तो तुझे माला माल दिखता है, पर पुद्गल का स्वामी पुद्गल है ये नहीं दिखता, और अपने में माल दिखता नहीं है और आत्मा अपनी कह खाली दिखता है आत्मा, ऐसे कैसे कल्याण होगा? पार्श्वनाथ का हो गया कल्याण, उनको मोक्ष मिल गया, उनकी जय बोल दी लड्डू चढ़ा दी। तो जीव को और अजीव को इन दोनों ने स्वांग रखा, बीरन भाई दो हैं और दिखते ही बताओ आप दो हो, ऐसे कभी दिखते मंदिर में प्रक्षाल करते समय भी नहीं दिखते, घिस घिस के भगवान को तो साफ करे, मगर अपनी मति को साफ कहाँ कर पा। अब वो कह रहे हैं कि जो घिस रहा है वो मैं नहीं हूं, ऐसा भगवान के सामने कहो तो एक बार, ये जो प्रक्षालन कर रहा है वो नहीं है जीव, मुझे जीव वो है जो जानता थे, वो कर नहीं सकता, तो ये कर नहीं सकता और ये करने का श्री लेना है मंदिर, मैंने ये किया मैंने ये किया, अब तो मैं जीव नहीं दिखे, क्योंकि जीव जानन हारा है वो कैसे करे? करे कर्म सोई कर तारा, जो जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं कोई वो करता सो, तुम करता बनोगे तीन काल में आत्मा नहीं देख सकते, तो जाननहार बनोगे तो तीन काल में कर्तत्व का भाव नहीं, सपन भी नहीं आएगा कि मैंने पुद्गल का कुछ। तो ये स्वांग है जो दो मिलके एक जैसा दिख रहा था, पर थे दो और ये सम्य ज्ञान की आंख में दो दिख, जीव जुदा पुद्गल जुदा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कर्म अलग है और आत्मा अलग है, राग द्वेष अलग है और आत्मा अलग है, अरे ज्ञाकार अलग है और ज्ञानाकार अलग है, बताओ एक जगह एक पर्याय में दो चीज देख सकते, तो देखने की आंख चाहिए, दो चीज। पानी जिस समय गर्म, क्या नाम जी है, जिस समय पानी गर्म है उस समय ठंडा है कि है? वो गर्म पानी तुम पी सकते, इसका स्वभाव कैसा है? शीतल। तो गर्म के समय शीतल कहाँ? जिस समय पानी गर्म है उस समय शीतलता तो नहीं है, क्योंकि एक समय में एक पर्याय हो सकता, जब गर्म होगी तब शीतल नहीं होगी, जब शीतल होगा तब गर्म नहीं होगी। तो जिस समय पानी गर्म है उस समय हम उसे शीतल देख लेते हैं कि नहीं? देख लेते, प्रत्येक दिन काम कर, और पता है कि ये गर्मा जाने वाली है शीतलता आ रही है, इसके लिए हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, वस्तु स्वभाव की तरफ अपने आप कसाय चली जाती है और ज्ञान बना रहता, शांति बनी रहे, शांति 24 घंटे बनी रह सकती है, क्रोध
नहीं बना रहे चला जाता। ये सब स्वांग है जो आती और जाती, जीव ना कहीं आता है और ना जाता है। परंतु अभी दशा क्या हो गई कि जहाँ जीव वहीं अजीव, जहाँ आत्मा है वहीं शरीर। रंजीत भैया समझ में आ रहा है, यहाँ आत्मा है वहाँ इस समय कौन है, शरीर भी इसी समय क्या है, राग भी सुनने का राग चल रहा, इसी समय क्या है कि ज्ञान भी। और आचार्य देव कहते हैं कि इस जीव का न शरीर है, न कर्म है, न राग है, न घी का ज्ञान है। आत्मा तो जाना न आ रहा है, ज्ञान से रहा है। ऐसे जीव और अजीव की मिली हुई एक ढांचे में से जीव को जीव और अजीव को अजीव जिसने पहचान लिया, धन्य उस ज्ञान को, उसकी ज्ञान की महिमा गाई जाए, उसकी आंख खुल गई। पूरे जीवन भर धोखे में रहता है, दुकान पे बैठेगा तो बताओ वो किसकी दुकान, किसकी दुकान है वो, समय दृष्टि भी तो बैठता, वो भी तो छह खंड जीता, अरे उसकी जैसी दृष्टि तो कर लो पहले, फिर बाद में स्वरूप। उसकी भौतिक भाव को तो देखते, पर उसके हृदय को तो देख, उसे लगती होगी अपनी दुकान, यहाँ देह अपनी नहीं लगती, तो छह खंड अपना लगे। परमाणु मात्र भी अपना लगे तो सम्यक दर्शन नहीं, एक परमाणु की भी रुचि होगी तो जीव को आत्मा की अरुचि बैठ। तो देखो किस ज्ञान का अभिनंदन किया है, महिमा गाई, जिस ज्ञान में जीव और अजीव दोनों न्यारे न्यारे देखने लगे। जीव अजीव की स्वांग को देखा क्या, स्वांग, और दिख क्या क्या गया, स्वभाव। स्वांग में उसे अलग अलग देखने की आंख, ऐसे स्वांग को देखने वाले इस सभा में महापुरुष भी बैठे, जो समोसरण लगता है ना उसमें गणधर भगवान भी बैठे, कुंदकुंद देव भी बैठे थे, यहाँ सीमंदर भगवान बैठे, आदिनाथ बैठे थे, वहां मारीची तो बैठा था, पर वहां पर भरत चक्रवर्ती भी बैठे, ज्ञानी भी बैठते हैं, मोई भी बैठे, देखने वाले महापुरुष, देखने वाले तो सभी जनता। ऐसा कौन है जो भगवान की वाणी नहीं सुन रहा, देख रहा सभी, परंतु देखने वाले महापुरुषों के जीव अजीव का विवेक पुष्कल पक्का दृढ़ ऐसा चलता रहे। और जीव अजीव के भेद को देखने वाली अति उज्जवल दृष्टि, एक तो व्यक्ति बता और उसकी नजर बता, ऐसी देखने वाली अति उज्जवल निर्दोष दृष्टि। दृष्टि का विषय क्या है प्रदीप भैया, उसमें तू दिखता ही नहीं है, उसमें कौन दिखता है, एक भगवान आत्मा। तो अभी ये चौथे गुण स्थान की बात है कि ऐसी दृष्टि जिसे अपना आत्मा ही विश्व में अपना दिखता है और कुछ दिखाई नहीं देता, उसे पर दिखाई, जिसे आत्मा अपना नहीं लगा वो पर को पर कह सकता है पर लग नहीं सकता। उज्जवल निर्दोष दृष्टि, सम्यक दर्शन, भूतार्थ दर्शन, स्वभाव का दर्शन जिसे हुआ है उसे भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न हो। आज उसे दृष्टि में आत्मा आत्मापन ही दिखा तो आज पूरा ईमानदारी से विश्व दृश्य, ये एक परमाणु में ही कुछ भी यहाँ मिला नहीं, अभी पूरा जगत स्मशान जैसा दिखता खाली, जिसे रेत ही रेत पड़े, कुछ नहीं है, आत्मा है वहां सब कुछ है, यही ब्रह्मांड है, यही मोक्ष है, यही सब। और इसके अलावा नजर उठा के देखो इतने बड़े विश्व में बताओ क्या दिखता। छह द्रव्य दिखते हैं पर वो छह द्रव्य अब अपने नहीं, छह द्रव्य द्रव छह द्रव्य दिखते मैंने द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा। समझ में आया भैया कैसे सात तत्व छह द्रव्य का श्रद्धान जीव को होता है, जब उसे आत्मा अपना दिखा दृष्टि हुई तो अब उसे जो आत्मा नहीं है उसकी दृष्टि खुली। आज यानी इसका आत्मा क्या है सामने कि आज तक अजीव को अजीव नहीं जान सका है, कितना ही पढ़ लिया हो पर अजीव लगे ही नहीं उसे,
अजीव के प्रति स्वामित्व मिठास बुद्धि अंदर में बैठी ही रहती है, चाहे वो कितनी कहे कि मैंने घर छोड़ दिया, मैं जंगल में आ गया या मेरा कुछ भी लग ही नहीं सकता। अजीव को अजीव वो जान सकता है जो जीव को जीव, जीव को जीव नहीं, जीव को अपना जीव, यही मैं हूँ ऐसा जानने वाला यही मैं नहीं। हजार महिलाएं बैठी थी, उस पुलिस वाले ने लड़की से कहा इसमें मम्मी को देख, बताओ हजार महिलाओं में ब्यूटीफुल होंगी कोई कुरूप होंगी कैसी हो, और उस बच्ची को कौन सी महिला पर नजर टिकती हो, इतनी महिलाओं में उसे पुलिस वाला कहे कि तुझे इतनी महिलाओं में मम्मी नहीं दिखती, ये नहीं तेरी मम्मी, तो क्या कहे नहीं, ये तो बहुत सुंदर दिखती साड़ी पहने बनारस, सुंदर उसकी चीज होती है कि अपनी चीज अपनी होती है। ऐसे ही बड़े सिद्ध भगवान बैठे अपने साथ पारस नाम, वो अनंत चतुष्टय के धनी, बताओ वो दृष्टि में अपने दिखती होंगे कि नहीं, जिनके प्रति अपन ने गोला समर्पित किया, गुणगान गाए, धन्य आपका जीवन, धन्य आपकी आराधना, धन्य आपने चरमोत्कर्ष साध दशा प्रकट की, हम अभिनंदन करते वंदन करते हैं, जय गाते। और वही सिद्ध भगवान जो अनंत चतुष्टय की धनी सिद्ध है सुखी है, वो दृष्टि से पूछने जाए, दृष्टि के द्वारा भिन्न द्रव्य की प्रतीति हो रही है। अनादि संसार से जिनका बंधन दृढ़ बंधा हुआ है, बताओ कौन सा बंधन दृढ़ है, द्रव्य कर्म का कि भाव का, आठ प्रकार के कर्म है, ये भी जहां जीव जाता वहां जाती, अनादि संबंधित आगम भी बताता था, और अध्याप ये कहता है कि जीव को द्रव्य कर्म ने जो साथ साथ लगा रहता है, ये द्रव्य कर्म में रहता है और आत्मा अवध आत्मा में रहती, उधर राग देश मोह कि मोह कुछ मेरा नहीं, ये जो मोह हो रहा है ये तो है ना अपना भाव, कि ये भावक का भाव, ये उसके उदय में फलित होता है। जैसे सुनना, ये कर्म तो जीव का नहीं क्योंकि ये कारमार वाराणसी बच, परंतु कर्म के उदय में फलित हुआ मूल राग कर्म का प्रारब्ध, ये तो जीव का है कि नहीं, ये भी जीव का नहीं, ये कर्म का फल, अगर ये राग जीव के ज्ञान पर्याय में देखा, क्योंकि जीव के पास स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, स्वपर प्रकाश का स्वभाव है, इसमें ये राग जो प्रकट हुआ वो दिखे, तो अब ये राग जो बना आत्मा में दिखा, ये तो राग जीव का है कि नहीं, ये भी राग जीव का है, क्योंकि ये तो झलकन, ये झलकन भी है कि वहां राग का, यहाँ मोर खड़ा ब्रजेश बता ना, एक मोर यहाँ खड़ा और एक दर्पण में देखा, तो कितने मोर हो गए, एक इस दर्पण में दिख रहा वो क्या, वो दर्पण की स्वच्छता है, और वो दर्पण की स्वच्छता जिसमें ये मोर झलक रहा है, जिसमें ये मोर झलक रहा है, ये दर्पण की स्वच्छता भी परिणति है, ये भी दर्पण है, ऐसा वेद विज्ञान है 49 नंबर की गाथा पर, ये दर्पण की झलकन भी दर्पण नहीं है, ये भी विज्ञान से बाहर के पदार्थ मोर आदि तो दर्पण में नहीं है, दर्पण में दिखने वाला मोर ये दर्पण कितनी रचना की उसकी, ये ज्ञान के कसी स्मेल बना न, ये ज्ञान की है रचना, ये ज्ञान ने बना, अच्छा जो ज्ञान ने बनाया है ये ज्ञान की रचना भी जीव नहीं, ये पढ़ा क्यों नहीं है, अपना ज्ञान अपर को प्रसिद्ध करे, बताओ वो अपना ज्ञान है कि नहीं, वो भी अपना, अब इस ज्ञान में, इस ज्ञान में दो चीजें झलक रही, एक ज्ञायक भी झलक रहा है और इसमें घी भी झलक, राग मूर कुछ भी उदाहरण ले, इसमें राग भी झलक रहा है, ऐसे परिणाम हो रहे हैं,
और इसमें ज्ञान ज्ञायक भी झलक रहा है, और अज्ञानी का दरवाजा किस तरफ खुलता है, ज्ञानी का किस तरफ खुलता है। दो व्यक्ति हो गए, वस्तु एक, उसके स्वभाव एक, परिणमन एक, और धंधे दो प्रकार। कैसे दो प्रकार के धंधे होता है? अखिलेश उस ज्ञान की पर्याय में सच्चत नाम का जो गुण है उसमें ये सामने वाले कहीं झलक जाएंगे कि नहीं, अंधत है नहीं, दर्पण ऐसा तो मिलेगा नहीं कि जिसमें कुछ झलकता ना, तो झलकेगा। ये हो गया अपना क्षयोत्सव ज्ञान, जिसका स्वच्छत्व गुण है और उसमें स्वपर प्रकाशन धर्म, ये झलकेगा। अच्छा, अब बताना, अज्ञानी जिसे आत्मा नहीं मान, उसे इस दर्पण में इस ज्ञान की स्वच्छत्व परिणति में घी झलकेगी और ज्ञाय झलकेगा, और उसे रुचि किसकी है, ज्ञाय की है कि घी की है? घी की। तो वो बताओ घी को देखकर कहाँ प्रयास करें, घी की तरफ झुक जाए, मर गया समझ। उसमें ज्ञान में सिर्फ देखने का पावर और धर्म था, इसमें घी झलकेंगे इसे अंधा बनाया नहीं जा सकता। परंतु बाहरी मिथ्या जिसने खुद ज्ञाता होके ज्ञाता का अनादर किया, तिरस्कार करके, और फिर वो घे की तरफ मुख धोकर जानवर निकल पड़ता है, यानी उसका वीर इसमें बर्बाद। जी जान, जी जान, जी जान, जी जान, अभी टीवी देख, अब बीवी देख, अब दुकान देख, अब देख, उसमें कुछ है ही नहीं। इसके ज्ञान में ज्ञायक है वो दिखता नहीं, और ज्ञान में की है नहीं वो ही दिखती। बताओ क्या होगा इसी? ये कला प्रकट हुई है, उसको सब में ज्ञान कहते हैं, उसका अभिनंदन कर। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञानी की है रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी यहाँ ज्ञानी रहती, कहाँ रहते ज्ञान? अब ज्ञान में ज्ञानी रहते हैं, यानी ज्ञान में ज्ञायक देखते, और एक अज्ञानी कौन कि जो ज्ञान में ज्ञायक न देखकर तिरस्कार उपेक्षा और पीठ देकर, और जो के नहीं है, जिस के से ज्ञान नहीं, जिस के का ज्ञान नहीं, जिस ज्ञान में के दिखे और है नहीं, और उसमें ज्ञान में ये देखता है, उसका नाम मोह है, मिथ्यात है, अज्ञान है, क्रियाकार की ऊर्जता है संसार। इस ज्ञान में संसार चल रहा है, जीव को रहस्य न पता होंगे, और ये रहस्य खुल गया, आज देखो कितने आनंदित हो गए। अरे हम समझ रहे थे कि हम लुट गए लुट गए लुट गए, तो लुटने का ज्ञान ही बढ़ हुआ, और लुटने का ज्ञान भी ज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो तो गे का ज्ञान, वो भी मैंने, और जो ज्ञान हुआ वो तो मेरा है कि नहीं, वो त्रिकाल एक नहीं, वो भी मेरा, मैं तो क्या है? ऐसा अपने को ज्ञायक देखने वाला भगवान है और भगवान हो जा, और गे देखने वाला गे उसके है नहीं, और गे की चाकरी में मर जाए। हेमचंदी हेम आए थे और उन्होंने कहा कि हमारे कमरे में दर्पण में चिड़िया मरी मिली, दर्पण के सामने क्यों मर गई, दर्पण में चिड़िया क्यों मर गई निकल है, कौन सी अज्ञान? उसमें दर्पण में चिड़िया है कि नहीं? नहीं है। और उसे क्या हो रहा था इतने दिन से सवेरे शाम तक, कि उसे लग रहा था ये दूसरी स्वतन कहाँ से आ गई, इस कमरे में तो हम आते हैं, इसमें दूसरा और कौन, वहां कुछ था नहीं, और उसे भ्रम हो गया कि है। इसी तरह से जीव के ज्ञान में भोजन आता है, दुकान आती है, राखी रुमाल धागा आता है, और कुछ आता है, मोहब्बत में रक्षा बंधन मना भ्रम है, कुछ आते ही नहीं, और इतना चमत्कारी है चैतन्य आत्मा को भुला के, और न जाने क्या क्या, जैसे पागल आदमी उधर, और अपन उसे डॉक्टर के यहाँ ले जा कि हमारे पापा हैं पागल, तो वो कहता है डॉक्टर साहब बताओ हम पागल दिख रहे, ये लोग फालतू हमें पागल पागल कहते,
तो पूछा कि हाँ तुम्हें पागल कहती गलत है, कि तुम क्या खाते हो? जो मिल गया सो खाया, कहाँ रहते हो? जहां जगह मिल गई सो रहे। इससे समझ में आ गया कि नहीं, डॉक्टर को और गहरा टेस्ट करना पड़ा। ऐसे जो अपना नहीं वो अपना, बोलता पागलों की दुकान को कहाँ, जो अपना नहीं उसके अपने कन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके या मैं अपनी से चला। जग में ऐसा हुआ कौन जो अपने से ही हारा? बताओ कोई दूसरा हरा आया कर्म कभी इसके उदय? कभी कोई द्रव सता रहे? अब पड़ोसी बहुत गंदा है, अरे तो पड़ोसी है काम था। प्रकाश चंद ये पेशी आई थी जोर, और उन्होंने एक उदाहरण दिया था जाते दिन कि अंधेरे ने ब्रह्मा से सूरज की प्रकाश की शिकायत की। ये हमें सूरज नारायण हमें बहुत सताता है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें पीछे पड़ताने नहीं। उन्होंने कहा कि भाई पेशी पे बुलाएंगे। सूरज से पूछा कि आप अंधेरे को क्यों सताते? आपका एक झूठी बोलते हो कि हमने अंधेरा आज तक देखा ही नहीं, हम क्या सताए? हमने देखा ही नहीं, कसम भगवान की हमने देखा ही नहीं। तो अब अंधेरे को बुलाया कि अंधेरा हाजिर हो। अब अंधेरा कहाँ, अब हाजिर करवाओ। एक ही अंधेरा, अंधेरा उसे कहते हैं जो उजेरा नहीं होता, उसको कहते हैं अंधेरा। ऐसे ही कोई अज्ञान अज्ञान कुछ नहीं होता, क्रियाकार आदि कुछ नहीं होते, आत्मा में तो ज्ञान ही ज्ञान होता है। पर तू ज्ञान नहीं देखता तो आत्मा बताने के लिए के की तरफ से बता, ये दिख रहा है कि नहीं लिखे हुए अक्षर, भगवान बैठे कि नहीं, ये के की तरफ से ज्ञान की आगम स्थापना करता है कि तू ज्ञाता है इसलिए जानना। परंतु ये दोषी में लगे, ये आगम को अध्यात्म में नहीं ढालना, तो प्रयोजन दूर रहता। ये सारा संसार दृढ़ बंधनों से बंधा है। कैसा बंधन है? वैभव मैं बना हूं, मेरी दुकान अभी जाके खोल। देखो दुकान खोलने का राग आना बंधन नहीं, ये तो अज्ञान बंधन है। बहुत सरल काम भगवंतों ने और सरल करके, सरल करी या जगत में भविजन को सो जो मुख्य मार इतना कठिन लगता था। आज मनोज गा रहा था ना पारस प्रभु कठिन डगरिया, और जी कह रहे बहुत सरल डगरिया। तो वो विनय भक्ति में ऐसे ही गाना पड़ता, कहाँ आपके हार कराना कितना दुर्लभ है, आपको अंतराय ना जाए कितना दुर्लभ, ऐसा कठिन सरल है। और ये कितना सरल है कि जीव को जीव जाना भगवान मान, दृढ़ बंधनों से बंधा हुआ। दृढ़ बंधन क्या है कि भ्रम बहुत बड़ा बंधन है, ये मानता नहीं किसी, कोई बताने वाले मिले तो उनकी चिटिंग कर देगा। बंधा हुआ है ज्ञानावरणादि कर्मों के चक्कर अनादि से जीव को आत्मग्राधक भाव से आते हैं। वो बेचारे क्या करें, वो तो इज्जत वाले यहाँ बुलाया जाता वहां पहुंच जाता। कभी कर्म जबरदस्ती नहीं आता, कर्तारम सफलीन यत्किल बलात् कर्मेण नो योजी, निर्जराधिकार पढ़ना उसमें लिखा। कर्म कभी जबरदस्ती किसी व्यक्ति को नहीं चिपकते, कुर्वाणा फल लिप्सरे ही फलम, जो अभिलाषा करता है विषयों की उसे अक्षय तो नहीं मिलते पर कर्म जरूर आ जाए। प्राप्त यत कर्मणा, वो प्राप्त करता कर्मों को। कौन? गरीब आदमी को ज्यादा कर्म बनते हैं कि बड़े आदमी को? है गरीब बड़े से नाप नहीं, जिसने अपने आप को आत्मा नहीं माना और फिर वो क्या मानता है वो कर्म बंध का था। जो मानेगा तो कर्म बंध, ऐसे कर्मों का अभाव हुआ। अब देखना अभी दृष्टि की बात कह रहे, केवल ज्ञान की बात है, अब आठों कर्मों का अभाव हो गया तो कौन सी दशा आ गई? केवल ज्ञान। तो अभी सबने ज्ञान ज्योति की वंदना की, अब केवल ज्ञान ज्योति की वंदना, ऐसा विशुद्ध हुआ, इस पर प्रकट हुआ। जैसे फूल की कली खिल जाती है उसी प्रकार से इस सर्वज्ञता सामर्थ्य में थी तो वो अभिव्यक्त हो गई,
ऐसे कोई बाजार से नहीं लाया कि आठ कर्म के अभाव से सर्वज्ञता आ गई, वो तो शक्ति थी और व्यक्त हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, ये जीव सिद्ध भगवान बन जाए ये आश्चर्य नहीं, ये आश्चर्य कि ये जीव को अपनी सामर्थ्य का विश्वास नहीं। अभी बताओ अपन सब बैठे है ना, अभी किसी को अवधि ज्ञान नहीं, मने परे ज्ञान नहीं केवल, परंतु ऐसा जीव बताओ जिसे ज्ञान नहीं, जिसे समझने की सामर्थ्य, जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा ना हो, जो जिसमें अनंत शक्तियां ना भरी, जिसका अस्तित्व ना हो इस आत्मा का, जिसमें वस्तुत्व ना हो, जिसमें द्रव्यत्व ना हो, बताओ आप ऐसा कोई आत्मा होता है जिसकी सत्ता ही नहीं। आत्मा आत्मा कहती दिक्कत है नहीं, अरे आत्मा हो इसीलिए अस्तित्व है, इसीलिए तो तुम बैठे हो। जानना अनंत शक्तियां, आप पढ़ो चित विलास, वो कह रहे हैं कि आप एक शक्ति का नाम लो उसमें हम सैकड़ों शक्ति गिना सकते अभी बैठे हो। ज्ञान नाम का एक बहुत असाधारण गुण, तो ज्ञान में अस्तित्व, ज्ञान में कर्तृत्व, ज्ञान में कर्मत्व, ज्ञान में करणत्व, ज्ञान में भाव भाव शक्ति है, ज्ञान में अस्तित्व आदि छह सामान्य गुण, अनंत गुण एक गुण में घट सकते। अच्छा फिर भी महिमा नहीं है, रवि दो 2000 के नोट गिनाए तो महिमा आ जाए, महिमा आती तो आना बंद कर सकता, दुकान जाना बंद कर देता, कर दो ना एक साथ, क्या रखा उसे। ऐसी कैसी बात करते, रक्षाबंधन का सीजन और आप ऐसे बेकार की बात करते, भगवान बनने की कहते, जब वहां यहाँ नहीं आ सकते तो आप भी नहीं आ, अपने लिए तो दो ही समान, जिसमें कुछ भी दम नहीं वहां जाना बंद नहीं करता, और जिसमें वही वही बात है तो भगवान बनेगा, भगवान है भगवान है भगवान, हाँ अच्छा नहीं। जैसे फूल की कली खिलती है ऐसी इसकी शक्ति की अभिव्यक्ति, उसी प्रकार से विकास रूप होता है, और आत्मा आत्मा राम आराम उसका रमण करने का क्रीड़ा बने। अब सुनना जरा, इस आत्मा को आराम मिले, आराम यदि चाहो आराम की तरह, ये दौलत नाम जी की लाइन है, तुम्हें सचमुच में शांति चाहिए तो देखो शांति वहां मिलती है जहाँ रस आता, जहाँ अपना कुछ हो, यहाँ सुख हो, वहां शांति मिले। तो आपके पास है उपयोग और आप रस लेते रहते हो, खाने का पीने का भोगने का नोटों का घर का पत्नी पुत्र का, वो कह रहे कि रस कैसे लेते हो, उसका रस तो निकलते ही, रसगुल्ले का रस डॉक्टर साहब कभी निकल के आपकी जीभ में आए तो है, रसगुल्ले का रस शक्कर का रस निकल करके और आपकी जीभ में आता है तो जीव में आ जाए, तो फिर कैसे रस लेते हो। तो वो भी बताते हैं कि जो चीज जिसको इष्ट होती है उसे उसमें उपयोग में लेता है और उपयोग में एकाग्र होता है तो उसको अनेक इच्छाओं का अभाव होता है, कहीं बाहर को देखने भोगने का भाव नहीं रह जाता उसको रस के। नहीं समझ में आया को समझ में, रस किसे कहते, इतनी देर में आप दुकान पहुंच गए इसलिए यह बात समझ में नहीं है। रस किसे कहते अच्छे से सुनो, जैसे अपन किसी की लड़ाई देखते हैं मरीज देखते हैं सड़क देखते हैं लोगों को देखते हैं, या अपने प्रसन्न जो भी आपके चित्त में जो बातें रहती है उनकी तरफ आप अपने उपयोग को एकाग्र करते हैं, ठीक है, जीव के उपयोग ही तो है हाथ में, तो उसको उपयोग को उस विषय में एकाग्र करता है, तो उस विषय में एकाग्र करता है यानी गहराई से जानता, कंटिन्यूटी में जानता, तो जिस समय वो उस गेय को विषय को रस को जानता है उस समय अन्य रसों को भोगने की देखने की चाहने की इच्छा नहीं होती, तो ये कंसंट्रेशन में यहाँ की अभिलाषा नहीं रही, इसी में पूरा वीर लगाया, इसको कहते रस ले, जो ज्ञानी काय का रस ले, क्यों वो ये देखता है कि गायक में अपना उपयोग लगता है तो वहां से रस आता है
और अपना गेवे लगता। देखो क्षेत्रम ज्ञान एक और दरवाजे दो, क्षेत्रम ज्ञान के दरवाजे से एक ही तरफ बढ़ता और ज्ञानी जीव क्षेत्रम ज्ञान के दरवाजे से गाय की तरफ बढ़ता। अरे इसमें कहाँ है कि ये तो गायक ही गाय, तो वो गायक में उपयोग की एकाग्रता उसे आनंद देने लगता। ब्रजेश भैया समझ में आ रहा कि मुश्किल से तो आए हो, किस रोज की खुराक है आपके पास? मोबाइल है घर में तो रोज चार्ज करते हुए कभी कभी, और आपके पास पेट का टैंक है कि रोज खाते हुए कभी, और पानी कभी कभी पीते हो रोज, घर में रोज जाते हुए कभी कभी, और पत्नी पुत्र से बात रोज करते हो कभी, और मंदिर के हो, ये तो रोज ही रोज का काम। तुमसे कह के हम सबसे कह रहे हैं, सभी जीवों को ऐसा लगना चाहिए पार्श्वनाथ महावीर मिल कैसे, ये कितने महान भगवान है, ये महाभगवान महाभगवान, इनने तो देखो अपना कल्याण कर लिया, आज हमेशा के लिए मुक्त हो गए। कितनी बड़ी उपलब्धि है, आज पार्श्वनाथ के अपन गीत गा नहीं सकते, इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाती। एक बार सर्वोत्कर्ष सिद्ध साध दशा प्रकट हो जाना, फिर ऐसी पर्याय का उत्पाद है जिसका कभी व्यय नहीं होगा, और संसार का ऐसा व्यय हुआ है जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा, और अनंत आनंद प्रकट हुआ है जो शक्ति में था, प्रकट हुआ है भोग रहे हैं। जितनी देर अपन सुनने सुनाने में लगा रहे ना, इतनी देर में उन्हें असंख्यात बार आनंद भोग लिया। एक शब्द बोलने में असंख्यात समय लगते, का इतनी देर में असंख्यात गुना आनंद भोग लिया, असंख्यात बार। यहाँ तो घंटों बैठी रहती प्रवचन, तो वो कह रहे ये कला आप भी सीख सकते हो, पहले स्वपर का विभाग अपने दिमाग में सेट कर। एक कीड़ा बन मिल गया, आत्मा ही कीड़ा बन मिला, और कहीं रमने लायक जगह नहीं दिखी, उसमें अनंत गियों के आकार आके झलकते। अब देखो ये गाथाएं सब मिला कि इसमें गे नहीं झलके तो वो ज्ञान बेईमान या उसका स्वच्छत तो धर्म नहीं, और उसमें ज्ञान में जो गे दिखेंगे वो अपने लगे तो समझ जाना ये आदमी बेईमान। उसमें भजन गया और भजन जाता है वो छूटना चाहिए। जब ज्ञान में ज्ञाकार दिखते हैं वो है नहीं, और ज्ञान में ज्ञानाकार है दिखता नहीं है देखना नहीं है। ऐसे ऐसे पढ़ गियों की आकार यानी जैसे सामने घोड़ा हो तो घोड़े का आकार दिखेगा, घोड़े के उसमें अग्नि हो तो अग्नि का आकार दिखेगा, वर्ण दिखेगा, दर्पण में इतनी योग्यता होती। परंतु ज्ञान दर्पण में सिर्फ आकार नहीं दिखता है, वर्ण नहीं दिखता है, उसके सब गुण धर्म दिख सकते। परंतु धन्य वो ईमानदार ज्ञान जिसमें दुनिया झलके और एक भी पदार्थ से प्रभावित ना हो। सबसे नीचे वाला बोल है डॉक्टर साहब का, महावीर स्वामी के सूत्र शिक्षा, इसमें लिखा कि भगवान महावीर भगवान केवल ज्ञानी है, अप्रभावित होकर के विश्व को जानते हैं और जान करके अप्रभावित रहते हैं। इसको कहते सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान आत्म दिख जाए जगत दिख गया हमें इससे कोई तकलीफ नहीं। देखना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, देखने में तो राग है कसा है, और दिख जाना ये तो नेचर है। जिसमें गियों के आकार झलकते हैं तथापि स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है। कीड़ा बन कहाँ है, आपको इतने घर दिखते हैं पर सोते कहाँ? अरे भैया बताना, हम अपने घर में इतने बड़े घर में भी लेकर हम जहाँ रोज सोते नहीं वहीं हमारी नींद आती, आप देखने का वहीं अपन को सेट होता दे, कोई कहे आज यहाँ सो जाओ तो वहां मन नहीं लगता। यानी लोक में भी जहाँ तुमने एक बार सेटिंग बना ली उसे अपनापन दे दिया, अब तुम्हें नींद लेना भी कठिन है दूसरी जगह। तो ये आत्मा एक बार अपना लग जाए फिर इसको दूसरी जगह सुला के बता दो आप, कहीं अच्छा नहीं लगता। एक बार आत्मा तो अच्छा लगे इसको, तो उसका प्रकाश अनंत है, प्रत्यक्ष तेजी नित्य उदय रूप है, धीर है, उदात्त है, इसलिए अनाकुल। देखो कितने गजब के विशेषण है,
थोड़ी 2 मिनट में अपन समझते हैं। धीर कहलाता है सामने के प्रहारों को झेलने की सामर्थ्य, और वीर कहलाता है सामने वाले शत्रु पर जो आक्रमण और पराक्रम कर सके, ये 2। और जिसमें धैर्य होता है और जिसमें ऐसी वीरता होती है उसमें ऐसी उदारता होती है, उदात्त होता है। उदात्त होता है यानी प्रभावित नहीं होता, आकृत नहीं। फिर से सामने वाले को उपसर्ग आपको झेलने की ताकत नहीं तो धीरता नहीं। लक्ष्मण का उदाहरण है, ये बिल्कुल जंगल में रहते थे और एक स्वयंवर मंडप लगा था और ये वहां पहुंच गए और वहां लगा कि जो इस लड़की को हरा दे उसे उसे पति बना देंगे इसका और उसे आधा राज्य दे। ये पहुंच गए, सब लोग कहें ये व्यक्ति कहां से, ये कपड़े ढंग के नहीं, ऐसा ऐसा। और उन्होंने सामना किया, तीर छोड़े तो इन्होंने ऐसे पकड़ लिए, इस हाथ से पकड़ लिए, इससे पकड़ ली, इससे पकड़ ली, इससे पकड़ ली, इससे पकड़ ली, यहाँ पकड़ देख के रह गए कैसा गजब का जीव। और फिर उसने बाण छोड़ तो सारे भागते थे। तो धैर्यता ये झेलना, सामने वाले के उत्सर्गों को झेलने की ताकत नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, क्योंकि तुम परद्रव्य से अभी प्रभावित होते, अभी तो तुम्हें 100 परद्रव्य का भेद किया। अगर पराक्रमी हो यानी ये जो जगत में तुझे ये सब दिखता है, तेरे ज्ञान में वीर चाहिए, उद्धत ज्ञान चाहिए, जो अपने को आप रूप महसूस कर पाए। तो धीरता, वीरता और उसके बाद उदारपना चाहिए, उदारपना आ जाता। उदारपना क्या कहला, अनंत काल तक ऐसा तटस्थ ज्ञाता रहे, ये उसकी उदार। अनंत काल तक केवल ज्ञान आत्मा से निकलता रहे, ये ऐसा दानी है, उदार, उच्च, उज्ज्वल, अप्रभावित नहीं होगा इतने बड़े विश्व। इसलिए अनाकुल सर्व इच्छाओं से रहित, इसलिए अनाकुल है, धीर उदार है, इसलिए अनाकुल है। और ये 3 विशेषण शांत रूप, यानी जो 8 प्रकार के रस होते हैं, उन रसों का रस शांत रस के आने पर मर जाता है, ये जीव आनंद को भूखता हुआ जीवन जीता। ऐसी ज्ञान की कला, ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जगमाई सहज, जो होता है सबके ज्ञाता रहने की आदत है, बुद्धि पूर्वक का व्यवसाय, अपने को ज्ञाय देखने की आदत है, संस्कार डालो, संस्कृति, संस्कार, संस्कारित करो, 25 दोष ना हो पाए, संस्कारित करो अपने श्रद्धा, अपने को ज्ञाते देखने का संस्कार था। इस तरह से ज्ञान का अभिनंदन नंदन किया है, सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ज्ञान ज्योति, सबको प्रकट हो सहजा।